मौज मस्ती के दिन हुए खत्म, अब बैग्स उठाएं और स्कूल चले जाएं, क्योंकि क्वेटा में मौसमी सरमा की 2 माह की तातिलात खत्म हो चुकी हैं और नए तालीमी साल का आगाज हो गया है। तातिलात के बाद पहले रोज कई स्कूलों में हाजिरियां बेहद कम रहीं, कहीं टीचर्स गैर हाजिर थे तो कहीं स्टूडेंट्स। स्कूल खुलते ही क्वेटा के आर्चा रोड पर स्टेशनरियों की दुकानों में खूब रश लग गया, जहां से वालदैन बच्चों के लिए किताबें, कापियां, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मगर यहां तो महंगाई ने वालदैन को परेशान कर दिया है, किसी स्कूल ने कोर्स तब्दील किया तो किसी ने यूनिफॉर्म, रही सही कसर फीसों में इजाफे ने पूरी कर दी। 1800 रुपए का और इस दफा 2700 रुपए का हो गया, तकरीबन 1000 रुपए बढ़ गया। इसी तरह हर चीज वर्दी महंगा हो गया। फीस में कमी की जाए, किताबों, ये बुक्स वगैरह हर साल चेंज नहीं किया जाए, हम गरीब लोग कहाँ जाए, किस तरह अपने बच्चे पढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने 5000 से ज्यादा फीसें वसूल करने वाले स्कूलों को फीसों में 20% कमी, जबकि 2 माह की तातिलात में ली गई फीसों में से आधी फीस एडजस्ट या रिफंड करने का भी हुक्म दिया, मगर कई स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। वालदैन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत ऐसे स्कूलों के खिलाफ जल्द कार्रवाई अमल में लाए। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, क्वेटा।